एक समय प्रतिभाशाली निर्देशकों में गिने जाने वाले राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड से लंबा ब्रेक लिया। इस दौरान उन्होंने कई फिल्में देखी और आत्ममंथन किया। नतीजा ये निकाला कि वे दोहराव का शिकार हो गए हैं। नई ताजगी और ऊर्जा के साथ उन्होंने वीरप्पन के जरिए वापसी की, लेकिन फिल्म देखते समय लगा कि निर्देशक को बहुत जल्दी थी और वीरप्पन पर फिल्म बनाते समय वे उतनी गहराई में नहीं उतरे जितनी की इस विषय की मांग थी। चंदन की तस्करी करने वाला वीरप्पन एक समय पुलिस के लिए सिरदर्द था। कर्नाटक और तमिलनाडु के घने जंगलों में उसने उत्पात मचाकर पुलिस की नाक में दम कर दिया था। पुलिस को उस तक पहुंचने के लिए वर्षों लगे और इस दौरान उसने अपनी क्रूरता के जरिए सैकड़ों पुलिस वालों और आम इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। निर्देशन और लेखन जो किसी भी फिल्म को ताकत देते हैं, वीरप्पन की कमजोर कड़ी साबित हुए। फिल्म बजाय वीरप्पन की जिंदगी को दिखाने के उस पुलिस ऑफिसर को महत्व देती है जो वीरप्पन को पकड़ने के लिए जाल बुनता है। यहीं पर फिल्म कमजोर हो जाती है। संभवतः यह काल्पनिक चरित्र है। सचिन जोशी ने इस किरदार को निभाया है जो अपने कमजोर अभिनय से इस मजबूत किरदार को बौना बना देते हैं। वीरप्पन को फुटेज कम मिले हैं जिसके बारे में दर्शक ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। वीरप्पन के आरंभिक जीवन के बारे में एक लंबे वॉइस ओवर के जरिए बताया गया है। ऐसा लगता है मानो डॉक्यूमेंट्री देख रहे हों। इसके बाद सारा फोकस इस बात पर है कि वीरप्पन को पुलिस कैसे पकड़ती है। चोर पुलिस का यह खेल रोमांच विहीन है और दर्शक इनके साथ जुड़ नहीं पाता। निर्देशक के रूप में राम गोपाल वर्मा खास प्रभावित नहीं करते। जंगल की बेहतरीन लोकेशन उन्होंने चुनी है, लेकिन वीरप्पन की कहानी को सही तरीके से पेश करने में वे चूक गए हैं। तकनीकी रूप से फिल्म औसत दर्जे की नजर आती है। फिल्म को ऐसा शूट किया गया है मानो कोई टीवी सीरियल हो। सिनेमेटोग्राफी कहीं अच्छी तो कहीं बुरी है। संपादन में भी त्रुटियां हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक आपके कान के पर्दे हिला देता है। संदीप भारद्वाज बिल्कुल वीरप्पन की तरह नजर आए। उनका अभिनय दमदार है, लेकिन उन्हें कम फुटेज मिले हैं। सचिन जोशी निराश करते हैं। यही हाल लीसा रे का भी है, जिन्हें फिल्म में बड़ा रोल मिला है। वीरप्पन की पत्नी के रूप में उषा जाधव का अभिनय उम्दा है। वीरप्पन का वह खौफ और चालाकी फिल्म से नदारद है जिसके लिए वह जाना जाता था। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।